हमारे देश का वो हिस्सा जो धार्मिक हिस्सा कहलाता है, जिससे देश और दुनिया के सभी लोग आते हैं और उसे हम सुरक्षित ही मानते हैं, लेकिन क्या ये हिस्सा सुरक्षित है? और शर्मनाक मामला आया है जहां पर पुलिस कर्मी, जब कहा जाता है कि आपके साथ दरिंदगी हो तो पुलिस से मदद लो, तो चलिए ये पुलिस का आप चेहरा देख लीजिए और जान लीजिए कि वही पुलिस है जो हमें मदद के नाम पर हमें नोचने वाली है। उड़ीसा के पुरी में ये मामला आया है। उड़ीसा का पुरी ऐसी जगह है जहाँ पर जगह जगह से लोग आते हैं, क्योंकि पुरी जगन्नाथपुरी ऐसी जगह है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ये वहीं का मामला है और खास तौर से पुलिस का मामला है। एक सरकारी क्वार्टर में पुलिस कांस्टेबल ने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया है। ये भयानक घटना है क्योंकि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस रिपोर्ट में महिला ने जानकारी दी है कि वो भुवनेश्वर से अपने गांव जा रही थी और उसे मदद की जरूरत थी, उसे लिफ्ट की जरूरत थी, तो उसने लिफ्ट मांग ली। इस घटना के दौरान जब महिला के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, उस दौरान उसने पर्स छीन लिया था एक पुरुष का और उसी से शिनाख्त हो सकी। लेकिन जब ये मामला सामने आया कि पुलिस कर्मी द्वारा इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया, तो बेहद शर्मिंदगी वाला मामला है। इन्हीं के कंधों पर होता है बोझ समाज का, लेकिन ये कंधे खुद क्राइम के बोझ से दबे हुए हैं, ये कंधे खुद बेकार हो चुके हैं, जिन्हें कहा जाता है कि आप मदद लें पुलिस की। तो देखिए पुलिस का ये असली चेहरा।